हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर चैनल मेकओवर एंड अप। तो आज मैं आपको जहाँ लेकर आई हूँ, ये है नेशनल टी स्टॉल और ये सियालकोट की सबसे, इनफैक्ट सियालकोट की नहीं, आई थिंक ये नेशनल टी स्टॉल जो है ये पूरे पाकिस्तान की सबसे अच्छी जो है वो चाय है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी सिस्टर कराची से भी आई हैं, लेकिन वो उन्होंने भी जब ये चाय पी तो वो भी बोल पड़ी कि मैंने ऐसी चाय जो है वो कहीं भी नहीं पी कराची में। हालांकि उनके घर में बहुत अच्छा दूध आता है और वो मतलब सियालकोट आके अपनी उस चाय को बहुत मिस करती हैं। हमारे भी यहाँ पे अच्छा दूध आता है, लेकिन उसमें आपको पता है पानी की मिलावट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जब भी थीना बाजी कराची से यहाँ आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा मिस करती हैं अपनी कराची की चाय को, लेकिन जब हमने उन्हें यहाँ से चाय पिलाई ना तो वो कहती हैं कि इस जैसी चाय मैंने पहले कभी नहीं पी, और वो इस चाय को बहुत 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 मिस कर रही हैं। और जब से वो आई हैं वो यही कह रही हैं कि मैं दोबारा, मतलब जब भी हम दो तीन दफ़ा हमने इधर विज़िट कर लिया, और हर दफ़ा वो कहती हैं मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा आऊँगी और मैं कराची जाके इस चाय को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, और वाकई इस जैसी चाय आई डोंट थिंक सो के कहीं और से मिल सकती है। तो आप सबको भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर यहाँ जाइएगा और ज़रूर यहाँ की चाय पीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त चाय है। सियालकोट में नेशनल टी स्टॉल है और एग्जैक्ट प्लेस तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप इस चाय को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सियालकोट की नेशनल टी जो है वो नेशनल टी स्टॉल। तो चलें अब मैं भी चेक कर लेती हूँ इस चाय को। तो जनाब वाकई इस जैसी चाय जो है ना वो कहीं भी नहीं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी चाय थी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट था। इतनी मज़े की चाय है कि जब आप इसे एक दफ़ा पीते हैं तो आपका दिल करता है कि दोबारा ये चाय ज़रूर पिए। एक बार जो खाएगा बार बार आएगा, ये बचपन में हम सुनते थे गली में आती थी आई थिंक इस तरह की आवाज़ें, कि ये पता नहीं किस चीज़ की थी यार, जो भी थी, एक बार जो पिएगा ये चाय वो दोबारा बार बार आएगा। हाँ जी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी चाय थी। अच्छा, ये तो चाय हमने पी थी शाम को, तो दिन में हम कहाँ थे, दिन में थे हम बाजी की तरफ, मेरी नन ने दावत की थी और उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई थी, समोसे बहुत ज़बरदस्त थे, उसके बाद जो उन्होंने मखरूनी बनाई थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, उसके बाद पुलाव और भी बहुत बहुत सारी इन्होंने चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए अरेंज किया था। तो थैंक यू सो मच बाजी, बहुत ही अच्छी हर चीज़ थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया हर चीज़ का, बहुत अच्छा टेस्ट था। स्पेशली मखरूनी जो है सही अच्छी क्वान्टिटी में बनी हुई थी और उसको खाने का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो बस जनाब इसके बाद थोड़ी सी इंजॉयमेंट की, बैठे गप्पे शप्पे लगाई और फिर हम आ गए अपने घर की तरफ। तो जनाब यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को करती हूँ आधा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टाटा बाय बाय।